I got a couple of fine arts. And it's what? Pura tayar hai, pura tayar. Pura tayar hai, pura tayar. Pura tayar hai, pura tayar. लेकिन बेशरम लोग जिन्होंने आज तक इस शहर के लिए एक इंच का टुकड़ा नहीं लाया, सारे हरामी के औलाद हमने पैसा कहां से लाया। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं पराग टाइम। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एनसीपी की तैयारियां तेज होते जा रही है। मुंब्रा में खासकर कब्रस्तान, स्लाटर हाउस, गर्ल हॉस्टल को लेकर जहां एनसीपी की शहर में काफी किरकिरी हो रही है, वहीं इसके बावजूद कलबा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान लोगों को एनसीपी में जोड़ने में लगे हुए हैं। कल एनसीपी में शामिल होने वाले लोगों को पद वितरित किया गया। एनसीपी में करीब 150 से 200 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है, मगर कुछ लोग ही पद वितरित समारोह में पहुंचे। इसमें कलबा मुंब्रा माइनॉरिटी अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ को बनाया गया और जनरल सेक्रेटरी तनवीर इसरार को बनाया गया है। ब्लॉक अध्यक्ष मुंब्रा जलालुद्दीन शेख को बनाया गया है। इस मौके पर बात की हमने ठाणे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे, कलबा मुंब्रा अध्यक्ष शमीम खान और कलबा मुंब्रा की माइनॉरिटी अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ से। आज राष्ट्रवादी की जो हमारे विधानसभा की कार्यालय है वहाँ पर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी के मार्गदर्शन में काफ़ी लोगों का आज हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी स्वागत किया है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो मुफ्ती अशरफ साहब है। एक जाना हुआ नाम है, समाज सेवा में अनेक सालों से वो काम कर रहे हैं। उनकी और उनके पूरे टीम को आज हमने राष्ट्रवादी पक्ष में उनका स्वागत किया है और कलबा मुंब्रा विधानसभा अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इस पद पर उनकी नियुक्ति की है। मुझे विश्वास है कि हमारे विधानसभा के पैरेंट बॉडी के अध्यक्ष शमीम खान जी और मुफ्ती अशरफ साहब और उनकी पूरी टीम एक साथ काम करने से संगठन यहाँ पर मौजूद होगा। इसके अलावा हमारे शील्ड के जो ब्लॉक अध्यक्ष है महफूज मामा, उनके टीम में भी आज काफ़ी लोगों को हमने वार्ड अध्यक्ष है, चाहे सचिव पद है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो लगभग 150-200 लोगों का आज प्रवेश हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में किया है। लेकिन मैं खास करके मुफ्ती अशरफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। उनके आने से पार्टी मुंब्रा हो चाहे कौसा हो, और आवाड़ साहब ने तो अपने भाषण में जिक्र किया कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने आज उनके ख्याल जो पेश किए उससे मैं अध्यक्ष इस नाते से खुद इम्प्रेस हुआ हूं और मुफ्ती अशरफ साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले मुफ्ती अशरफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुफ्ती अशरफ साहब को हमारे प्रेसिडेंट श्री आनंद परांजपे साहब ने कलबा मुंब्रा विधानसभा का उनको प्रेसिडेंट बनाया है और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जावेद आलम साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, नवेद भाई को सिल विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इस तरीके से तकरीबन आज मैं आपसे कह सकता हूं कि 78 लोगों ने पद ग्रहण आज पार्टी में शमूलियत अख्तियार किया है। मैं उनको तमाम लोगों को अपनी पार्टी की जानिब से, विधानसभा की पूरी जानिब से, राष्ट्रवादी के परिवार की जानिब से मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और रही बात की आपने जो कलबा की बात किया, तो आज ये प्रोग्राम मुंब्रा में था, कलबा भी प्रोग्राम हम लेंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ भी लोगों को जोड़ेंगे, वहाँ भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, जैसे भी हमारे अध्यक्ष का आदेश होता है हम लोग वहाँ भी वर्किंग करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर आज तक यहाँ बहुत सारे मुस्लिम लीडरशिप करने वाले MLA हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो माइनॉरिटीज़ के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र के अंदर आज अगर किसी ने कब्रिस्तान दिया तो वो काम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने दिया। हमारे लीडर ने किसी मुंब्रा की जनता को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ चंद बेशरम लोग हैं, और गाली उसमें बेशरम मतलब गाली नहीं होती है, बेशरम उसको कहते हैं जिनके अंदर कोई शर्म ही ना हो। मैं बार बार पूछता हूं माध्यम से आप लोगों के कि जो कहते हैं कब्रिस्तान को लेके एहतजाज करते हैं, तो उनसे मेरा सवाल है कि शहर में पहले कब्रिस्तान चाहिए या पहले स्लाइडर हाउस चाहिए,
इनलीगल की बातें करते हो, लीगल की बातें करते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो कब्रिस्तान पास कॉरपोरेशन ने किया है, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के मेहनतों से हुआ है, हमारे नगरसेवकों के सपोर्ट से हुआ है, लेकिन वो काम करके अगर कोई देने वाला है तो जितेंद्र अवार साहब है। वो जाकर के जो बेशरम जो उन्होंने जुमला यूज़ किया है, जो आप नहीं कह रहे थे उन्होंने कह दिया फिरोज आदमी साहब ने, तो उन्होंने उन चंद लोगों को कहा है जो एक 28 लोगों की टीम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 28 लोगों की टीम है, किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कहा कि शमीम भाई आंदोलन कर रहे थे वहाँ 28 टीम के बारे में जानकारी है या 28 लोगों की टीम कौन सी टीम है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आज नहीं MIM है, यानी कि जो आमदार ने कहा है वो शब्द MIM पर यूज किया। देखिए मैं आपसे क्या बोलता हूँ, जो शब्द आमदार साहब ने कहा है वो MIM का हो या किसी और पार्टी से भी हो, लेकिन जो लोग अच्छे कामों के आकर के अड़चन डालते हैं, आज कौसा कब्रिस्तान की क्या हालत है? मुफ्ती साहब, आप जो है दोस्ती में रहते हैं और NCP आज ज्वाइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो शमीम खान सानू पठान ने दोस्ती में पानी जाने के लिए जो रोक दिया था, आप उसी डर की वजह से जो है NCP ज्वाइन किए? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, डर हमें पानी का नहीं है, हम उनके शागिर्द हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्फ़ की सिल्ली पर लेटाई, लेकिन नाजायज़ काम के सम झुके नहीं। लेकिन मैं आपको पूरी बात बताऊं, मैं आपको हाँ जी, उन्होंने कहा कि हम NCP जोड़ लिए हैं तो अब हमारी मुसीबत हल हो जाएगी, तो कौन सी मुसीबत है कि जो अब NCP के जोड़ने से हल होगी? मुसीबत वहाँ पर बहुत सारी है, ऐसी नहीं है कि जैसे वहाँ पर जो रोड है हमारा, काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हमारे, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 28 टावर बनने वाले हैं, सामने डिवाइडर की गाड़ी जा नहीं पाती तो लोग उल्टा जाते हैं, तो 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, और बहुत सारे काम है, जैसे अभी यहाँ पर आधार कार्ड नहीं बना, इलेक्शन कार्ड नहीं बना, और बहुत सारे काम हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो काम पूरे हो जाएंगे। और जहाँ तक आपने सवाल किया डर का, इसलिए जोड़े तो हम लोग इसलिए नहीं जोड़े, मुझे ऊपर से ये ऑर्डर आया है कि 2019 का इलेक्शन है और ये मुल्क उन लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए जो हाफिज़ अखलाक के कातिल हैं, और ये मुल्क उन लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए जिन्होंने बेकसूर लोगों पर जुल्म किया है। एक सेकुलर और एक अच्छे ईमानदार लोग आगे आएँ और अच्छी पार्टी आगे आएँ, हम ये नहीं देखते कौन आदमी क्या है, किस मज़हब का है, किस जात का है, हम सबसे पहले इंसानियत देखते हैं, अगर इंसानियत है तो हम उस शख्स को बिल्कुल आगे करेंगे। भले ही लोग NCP में शामिल हो रहे हो, मगर कब्रिस्तान के मुद्दे पर आमदार जितेंद्र अवार्ड की जुबान अब फिसलने लगी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही कब्रिस्तान का मुद्दा अब आमदार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कब्रिस्तान पर पैसे खाने को लेकर और कब्रिस्तान पर आवाज उठाने वालों को आमदार जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। उसके लिए सन 2012 में मुझे कोशिश करनी पड़ी और 2014 में मैं रिजर्वेशन लेके आया प्राइवेट जमीन पे, इसका मालिक एक हिंदू था। और ये तो हमारे कमर कमिश्नर की मर्दानगी है, उसकी दादागिरी है, जो उसने उस मालिक को बुला के बोला तू अगर दफन भूल, आज देखो ऐसी बात है, रिजर्वेशन है लेकिन अगर मालिक देना नहीं चाहेगा तो शमीम भाई के मुमकिन है, लड़ते रहो सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर आओ नीचो, 25-30 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं। कमिश्नर ने उससे कहा कि मित्तल सेठ अगर ये कब्रिस्तान नहीं दिया तो ये समझ लो कि तुम्हारी 100 एकड़ जमीन की जमीन जिंदगी में डेवलप नहीं हो सकेगी। इतना कहते ही उसने बैठ के कमिश्नर के साथ एक जमीन का टुकड़ा कब्रिस्तान करके दे दिया। आपकी दुआओं से मुमरा के तमाम लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपना बेटा समझते हैं, ये बड़े बुजुर्गों की दुआओं से आज हमारा कब्रिस्तान आज अभी इस वक्त पूरा तैयार है, पूरा तैयार। लेकिन बेशरम लोग जिन्होंने आज तक इस शहर के लिए एक इंच का टुकड़ा नहीं लाया, साले हरामी के औलाद, हमने पैसा कहां पे, जितेंद्र अवार्ड ने और कमिश्नर में इसने पैसा खाया,
मैं इतना नालायक आदमी नहीं हूँ, मेरी खुद में इतनी नालायकी नहीं है जो हम लोग कब्रिस्तान में पैसा। तो सुना आपने, कब्रिस्तान पर आवाज उठाने वालों को आमदार जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा है। कब्रिस्तान पर जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में कब्रिस्तान में बनाकर दे दूंगा और जो मित्तल का रास्ता है वो भी आने वाले 1 अप्रैल तक मैं बनाकर शहर के हवाले कर दूंगा। मगर अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में 2 दिनों में कब्रिस्तान और 1 अप्रैल को मित्तल का रास्ता मुंब्रा शहर को मिल जाएगा या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।